बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने रच दिया इतिहास। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर मचाया कहर। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ा कर रख दी धज्जियां। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और रोहित शर्मा, विराट कोहली न कर पाए वो सूर्य कुमार यादव ने कर दिखाया। सूर्य की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी घातक विस्फोटक तरीके से मैदान पर कोहराम मचा दिया। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर सूर्य कुमार यादव का बार बार बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार सूर्य के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहला टी20 का मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, साक रोक देने वाला काफी घातक विस्फोटक मुकाबला खेला गया, क्योंकि बांग्लादेश की टीम को खूब पता था और वो खूब खुशी से उछल रही थी, क्योंकि हमारी भारतीय टीम जो है श्रीलंका से ओडीआई मुकाबले 3 हार के आई थी। पहला मुकाबला टाई हो गया था और 2 मुकाबले में लगातार भारतीय टीम को ओडीआई में हार का सामना करना पड़ा, जहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यही सोच रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय टीम श्रीलंका से हारी है उससे बेहतरीन तरीके से तीनों के तीनों टी20 के मुकाबले हम जीत लेंगे। लेकिन शायद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को ये नहीं पता था कि यहाँ पर टी20 का कप्तान रोहित शर्मा नहीं, सूर्या है। जी हाँ, वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से शतकीय दोहरी तिहरी शतकीय पारी खेल सकता है। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच पूरा का पूरा रोमांचक मुकाबला दिखाने जा रहे हैं। भारत वर्सेज बांग्लादेश के बीच पहले टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज़्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे और भारतीय टीम को 100-150 के भीतर खदेड़ फेंकेंगे। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए 2 ओपनर खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से एक चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से जायसवाल ने 10 रन ठोक दिए। शुरुआत काफ़ी बेहतर थी तो वहीं दूसरे ओवर की पहली बॉल पर दौड़कर 2 गिल ने रन ले लिए, तो वहीं दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका गिल ने ठोक दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, जहां पर स्ट्राइक जायसवाल को दे दी और जायसवाल ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर छक्का ठोक दिया और दूसरे ओवर की 5वीं 6वीं बॉल पर 2 छक्के लगातार फिर ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ओपनर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों की आंखों में वो गुस्सा था जो भारतीय टीम 3 मैचों की ओडीआई सीरीज हारी थी। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश की गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान हैरान रह गए, तो वहीं तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, जहां स्ट्राइक गिल को दे दी और गिल यहां पर तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक तगड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। मैदान पर अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हाँ, अभिषेक शर्मा वो तूफानी वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। अभिषेक शर्मा ने आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल 5वें ओवर की पहली बॉल पर एक तगड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ये भी आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 52 रन ठोक दिए। फिर मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 5वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। जी हाँ, भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यहां पर अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने 2024 के टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 147 रनों की नाबाद पारी खेली थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ जब 6 ओवर की 6 बॉल पर आउट हुए तो मैदान पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और ऋषभ पंत
भी कहां किसी से पीछे जाने वाले हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कोहरा मचा दिया। ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से आठवें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। आठवें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया तो वहीं आठवें ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा आउट हुए। यहां पर 52 रन ठोकर के अभिषेक शर्मा जैसे ही आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। अर्धशतक की पारी ठोक करके अभिषेक शर्मा आउट हुए तो यहां पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या जैसे ही आए आठवें ओवर की चौथी बॉल पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आउट हुए। दोस्तों 36 रन ठोकर के ऋषभ पंत आउट हुए तो हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए मैदान पर तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया। अब दोस्तों आप सभी को बता दें बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान खुशी से काफी ज्यादा उछल रहे थे क्योंकि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जैसे पांच खतरनाक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हुए तो भारतीय टीम की समझ लीजिए कमर ही टूट चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पहला T20 का मुकाबला हार जाएगी और 200 रन भी अपने पूरे कंप्लीट नहीं कर पाएगी। जी हां दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक तरीके से 9वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा और सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। 10वें ओवर की पहली बॉल पर एक चौका यहां पर हार्दिक पांड्या ने ठोक दिया। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। हार्दिक पांड्या काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी, लेकिन 10वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को लेकर के भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब हार्दिक पांड्या यहां पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों हार्दिक पांड्या काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज थे और अगर वो मैदान पर टिके रहते तो रनों को काफी आगे तक खींच सकते थे। अब हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह। भारतीय टीम के जब 6 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आउट हुए तो भारतीय टीम की जीत की जिम्मेदारी सिर्फ रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर थी। अब बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रिंकू सूर्या को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे क्योंकि यही दो बल्लेबाज ऐसे बचे थे जो टीम इंडिया के रनों को काफी बेहतरीन तरीके से पहुंचा सकते थे आगे की ओर। तो वही हुआ जो बांग्लादेश की टीम ने सोचा। रिंकू सिंह ने यहां पर 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू और सूर्या एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव को रोकने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान हर वो चाल चल रहे थे जो गेंदबाजी के मोहरे में चलनी चाहिए। यहां पर सूर्य कुमार यादव के आगे एक खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज आया सूर्या को आउट करने के लिए, लेकिन सूर्या ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक करके बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर खत्म कर दिया। तो वहीं एक युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़े अपना नया ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर रोहित शर्मा, विराट कोहली के भी पसीने छूट गए। तो वहीं कोच गौतम गंभीर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रिंकू सिंह ने 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। यहां पर 14वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का सूर्या ने ठोक दिया। यहां पर 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके ठोक दिए। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके सूर्या ने फिर ठोक दिए। 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 1 चौका रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिया। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार इन तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। ये दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोक रहे थे। इन शेरों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के यहां पर रिंकू सिंह ने ठोक दिए। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं जो काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। रिंकू सिंह ने और सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कोहरा मचा रखा था। 20वें ओवर तक जाते आते सूर्य कुमार यादव ने 13 शतक ठोक दिया, 318 रन ठोक दिए और रिंकू सिंह ने 198 रन ठोक दिए। सूर्या ने 318 198 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिए। यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा कर दी और आज से एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों जब मैदान पर बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई और भारतीय टीम के रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो सबसे पहला यहां पर आप सभी को बता दें ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह, जहां पर सिर्फ 4 रन दिए।
दूसरा ओवर लेकर के गए कुलदीप यादव जहां पर सिर्फ 2 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई जहां पर सिर्फ 6 रन दिए। हालांकि भारतीय टीम को 5वें ओवर तक जाते थे कोई भी विकेट हासिल नहीं हुआ और बांग्लादेश के बल्लेबाज जो थे जो मैदान पर टिक कर एक दूसरे की मदद से काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने यहां पर 6वें ओवर की 3री बॉल पर एक चौके की मदद से यहां पर आप सभी को बता दें एक विकेट चटका दिया। जी हां, एक चौका सिर्फ दिया यहां पर 6ठे ओवर में बुमराह ने और एक विकेट चटका दिया। यहां पर अब जोड़ी उन दोनों बल्लेबाजों की टूटी तो वहीं 7वें ओवर की 2री बॉल पर मोहम्मद सिराज ने एक विकेट चटका दिया और दोनों बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं हर्षदीप सिंह ने यहां पर तूफानी विस्फोटक तरीके से 8वें ओवर की 6 गेंदों पर एक विकेट चटका दिया और 9वें ओवर की 6 गेंदों पर कुलदीप यादव ने भी एक विकेट चटका दिया, जहां पर 9वें ओवर तक जाते जाते भारतीय टीम ने 4 विस्फोटक बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर दिया। बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज फिर ऐसे आए जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम दोस्तों यहां पर पहला T20 का मुकाबला हार जाएगी। उन बल्लेबाज वो बल्लेबाज थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे, क्योंकि 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए, 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए, 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने यहां पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए, जसप्रीत बुमराह ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए और हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट ले लिया। यहां पर पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ढेर कर दिया और भारतीय टीम ने पहला T20 का वार्म मुकाबला अपने नाम कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल एक वार्म मुकाबला था, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।